ये आटा मिल रही है सामने अपने हिंदू भाई की। यहाँ से अभी हम क्रॉस कर रही है ये फ्लोर मिल अपने हिंदू भाई। तो गाइस ये इंडिया जाने वाली ट्रेन अभी आ रही है, यहाँ से हम जाएंगे अभी गांव की तरफ और इतने सारे लोग आ चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सनातन धर्म की। तो आज के एक और न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही न्यू ब्लॉग देखने के लिए। तो अभी आया हुआ हूँ मैं गाँव भाई, स्टार्टिंग से वीडियो शुरू करते हैं। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ गाँव के पास, लेकिन जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एक हिंदू भाई की फ्लोर मिले, आटा मिल यहाँ पे, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन उस फैक्ट्री की तरफ हम जाने वाले हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हुआ चलूं, और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज भी हम मोटो ब्लॉग बनाने वाले हैं, और अभी मैं जलवारी पहुँच चुका हूँ। ये बिल्कुल खास का फेमस चौक है, काफ़ी दफ़ा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पर ये बेकरी, और भाई यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से अपन को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भीड़ भड़कम ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बस स्टॉप है। बाय बाय, रुको रुको रुको। और यहाँ पे तकरीबन हिंदू भाई के ठेले लगे हुए हैं, यहाँ पे हिंदू भाई कुछ ज़्यादा ही फ्रूट वगैरह सेल करते हैं, क्योंकि आजू बाजू में जो गाँव हैं हिंदू भाई उनके ही हैं उस वजह से। यहाँ पर ये देखें, ये ठेले खड़े हैं ये अपने हिंदू भाई के लिए, ये वाले। तो ये रिक्शे लेके जा रहे हैं, वो भी हिंदू भाई का ही रिक्शा। तो मैं अभी जा रहा हूँ गांव की तरफ, और भाई की बेटी थी कज़न के घर पे, तो वहाँ से लेने के लिए। तो यहाँ पे चलते चलते आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँ कि भाई यहाँ पे नूर शाह नाम से एक अपने हिंदू भाई की फ्लोर मिले, आटे की मिल जिसे हम बोलते हैं, वो देखने वाले हैं भाई, आपको वो दिखाने वाले हैं। तो आगे से हम यू टर्न लेंगे, और आज थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ी होने वाली हैं, क्योंकि इन गलियों में मैं किसी टाइम सब्जी सेल किया करता था यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी सेल किया करता था, 2020 की बात है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे ही आरे बने हुए हैं जो लकड़ी वगैरह चीज़ें बनाते हैं। तो ये मुगल आज़म टाउन में हम इंटर हो चुके हैं, यहाँ पे अपने हिंदू भी बहुत रहते हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी सेल किया करता था 2020 के सीज़न में, 2020 में यहाँ पर मैं सब्ज़ी लगाता था। और जहाँ पे ये भाई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं सब्ज़ी लगा रहा था। अभी हम फ्लोर मिल देखने वाले हैं भाई, आगे थोड़ा चलें, यहाँ पे फ्लोर मिल है। और ये मुगल आज़म टाउन के इलाका, यहाँ पे अपने हिंदू भाई भी बहुत रहते हैं, डॉक्टर खटमल साहब का भी यहाँ पे घर है, और भी बहुत सारे। तो ये सामने जो नज़र आ रही है फ्लोर मिल है, ये आटा मिल रही है सामने अपने हिंदू भाई की। यहाँ से अभी हम क्रॉस कर रही है ये फ्लोर मिल अपने हिंदू भाई। और यहाँ पे भी अभी प्लॉटिंग बन गई है भाई, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, अभी बस यहाँ से क्लियर देख सकते हैं। ये जो मिल है अपने हिंदू भाई की, और यहाँ पे मदरसा बना हुआ है। तो यहाँ से जो कॉलोनी स्टार्ट होती है, तकरीबन यहाँ पे ठाकुर कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे ठाकुर कम्युनिटी। ये जो घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये हिंदुओं के अपने तकरीबन। तो यहाँ पे ये जो पैसे बंधी हुई है, और यहाँ पे हिंदुओं का घर है, तो ये बराबर में जो अपने हिंदू भाई रहते हैं, ठाकुर समाज से जो ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर जो भी रहते हैं अच्छी खासी फैमिलीज़ हैं, और माशाल्लाह पैसे वाली पार्टी हैं ये सब। तो अभी हम उस साइड से आ चुके हैं, और यहाँ पे भी छोटा सा गांव है, और ये वाला सामने ये अपने हिंदू भाइयों का गांव है, यहाँ से हम टर्न करेंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गांव, और यहाँ पे एक टाइम था कि हम नहाया करते थे और अपनी बाइक्स वगैरह यहाँ पे नहलाया करते थे, क्योंकि पहले हम यहाँ पे रहते थे आजू बाजू में, यहाँ पर इस तरफ हमारा गाँव है। तो गाँव की तरफ मैं जा रहा हूँ पूजा को लेने, तो सोचा यहाँ पे हाथ मुँह धो लूँ फिर आगे निकलते हैं। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव, और ये छोटा सा गांव, कोई टाइम था हम भी यहाँ पे रहा करते थे। तो ये शहर से थोड़ा आउट ऑफ है, अभी टर्न करेंगे। तो बारिश होती यही दिक्कत होती, यहाँ पे कीचड़ हुआ करता था, तो ये देखो पानी में पड़ा हुआ बारिश हुई उसका। यहाँ पर सामने सामने अपना घर नज़र आएगा, जो पहले अपना घर यहाँ पे हुआ करता था, सामने पहले यहाँ पर अपना घर था,
तो गाइस फाइनली अभी मैं और पूजा निकल चुके हैं। पूजा ये बैठी है पीछे, हम दोनों जा रहे हैं अभी कज़न के घर पे, और यहाँ पे गए थे पूजा को लेके। अभी यहाँ से निकले, अभी इस तरफ रास्ता है या नहीं है, इस तरफ थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, बाकी ये भी चलते हैं। बस यहाँ पे ये चावल की फसल लगी है, इतनी खुशबू मस्त आ रही है। ये सारी चावल की फसल लगी है, जिसको हमारी लैंग्वेज में तो सारे बोलते हैं, लेकिन चावल की फसल वर्ड बेस्ट रहेगा इसके ऊपर, सूटेबल रहेगा। और सामने ये अपने हिंदू भाइयों के घर है, और इस तरफ भी तकरीबन चावल की फसल ही लगी हुई है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। तो भाई इस दफ़ा अच्छी फसल हुई है, देखें ये। और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है अपने हिंदू भाइयों के घर है, ये वाले हैं, और इस तरफ ये वाले। तो भाई सभी कज़न के घर पे होके हम यहाँ आ चुके हैं फ्रूट फार्म की तरफ, और यहाँ पे ये देखें भैंसियाँ चल रही है, और आज वेदर बहुत ही अच्छा है तो कितना मस्त लग रहा है। तो गैस ये इंडिया जाने वाली ट्रेन अभी आ रही है, यहाँ से हम जाएंगे अभी गांव की तरफ, और इतने सारे लोग आ चुके हैं, ये हमें आ चुके ट्रेन में बैठ चुके हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकती है, और अभी निकलने की तैयारी है यहाँ से। बस फाइनली अभी ट्रेन निकल चुकी है, और तकरीबन हमें यहाँ से 25 से 30 मिनट लगेंगे गाँव पहुँचने में। तो फिलहाल आज बैठने के लिए सीट मिली है, लेकिन जब भी बैठता हूँ गेट के पास बैठता हूँ, लेकिन आज हमें इतने और पूजा साथ है तो दोनों को सीटें मिल रही है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं शादीपली सिटी, तो ये चौथा स्टेशन है मिट्टू खास के बाद निकलने के बाद, और अभी हम जा रहे हैं वापसी अपने घर पे, और यहाँ पे भाई लेने आएंगे ना, फिर हम किसी ऑटो रिक्शे में जाएंगे। तो ये शादीपली स्टेशन, और अभी यहाँ से ये ट्रेन निकलने वाली है, ये जाएगी 0.5 खोखड़ा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो रात घर पर पहुँच गए थे, देर हो गई। हाँ बेटा, अड़ी ये देखो गाइस, ये एक बछड़ा लिया है इन्होंने, ये देखें, ये अंजलि है, तो इसको भी चराने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। ये बीज अपना लगा हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने लिया, ये देखें भवन भाई। बड़ा रात हम पहुँच गए थे घर पे, और ब्लॉग का एंड नहीं लिया, और वो ब्लॉग अभी मॉर्निंग में एंड करते हैं। सुबह का वेदर बहुत ही बढ़िया गाँव का, तो अभी मैं गाँव में हूँ, देखता हूँ आज गया तो ठीक है, नहीं तो कल MPS जाऊँगा या आज ही चला जाऊंगा, कुछ पता नहीं है। बरहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर ओके, बाय 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 बाय, तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग पे। ओके, राधे राधे।